बिहार में फिर हुआ पारा गर्म। आरजेडी कांग्रेस पर दिया बयान, जानिए क्या कहा पप्पू यादव ने। बिहार की राजनीति में अक्सर सियासी पारा चढ़ा रहता है, कभी वहां के सियासी माहौल को लेकर तो कभी वहां के नेताओं के बयानों को लेकर। अब ऐसा ही एक बयान पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिया है, जिनके बयान से हलचल हो गई है। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को निर्णय लेना है कि अगर कांग्रेस अकेले जाने का फैसला करती है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों की राजनीति अलग अलग है। जब तक कांग्रेस राजद के साथ गठबंधन में है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि हम एक नए विकल्प की उम्मीद नहीं कर सकते। सुनिए। और मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेस यदि अकेला चलने का निर्णय ले ली तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं सारी दुकानें बंद हो जाएगी। लेकिन उस दौर में आप कांग्रेस की अकेले चलने की बात कर रहे हैं, जिस दौर में कांग्रेस सबसे बड़ा पैरविकार पार्टी है गठबंधन की मजबूती को लेकर। देखिए, लोकसभा का राजनीति और विधानसभा की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में रहेगी, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, तब तक एक नए विकल्प की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। लोग अपेक्षा रखते हैं एक नए विकल्प की, और उसमें कांग्रेस को बिना जाति धर्म की पार्टी देखते हैं। प्रशांत जी रिटायर उन लोगों को इकट्ठे किए हैं जिन लोगों ने पूरा लूटा है, डीएम एसपी सब लोगों, और उन लोगों को जितने बालू शराब माफिया बड़ा बड़ा माफिया है जिनको किसी पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा, वो प्रशांत जी के साथ जाएंगे, चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से दो पार्टी के बीच में तीसरी पार्टी कोई भी यह कहेगी कि हम तो मुख्यमंत्री और पीएम बनाते हैं, पैसा मेरे पास है, एमएलए आपको हम बनाने को तैयार हैं, जब हम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो एमएलए आपको क्यों नहीं बना सकते। तो ऐसे लोग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं जिनका कोई जगह नहीं है, तो वो प्रशांत जी के साथ जुड़ गए, और जिनको दोनों जगह टिकट नहीं मिलेगा तो प्रशांत जी के साथ जुड़ जाएंगे। बहरहाल अब इस बयान पर आरजेडी क्या कहती है ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।